आज है बेकिंग क्लासेस का पांचवा दिन। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय फेसबुक पेज, जिसकी लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आइए मेरे साथ ये सिनोनिम कुकीज़ बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा अपना प्यार दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बाउल ले लेंगे, जिसमें हम लोग ये बटर और कस्टर्ड शुगर को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इतना मिलाएंगे कि वो बिल्कुल वाइट कलर पे आ जाएगी। अगर आपको ये सिनोनिम कुकीज़ की का रेसिपी विद मेजरमेंट चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब कुछ दे रखा है। अब हम लोग को इसको अच्छे से हाथ से फेंट लेना है कि वो ये इसका कलर वाइट में चेंज हो जाए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये फ्रोजन मिल्क डालेंगे, जिसको हम लोग ये मावा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें हम लोग ये मैदा डालेंगे। अब इसको डाल के हम लोग अच्छे से मिलाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। हम लोग कुकीज़ के नाम पे सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप मेरे पे यकीन कीजिए, ये बहुत अच्छा बनेगा और घर में आपका सभी लोग बहुत तारीफ़ करेंगे खाने के बाद। ऐसे ये मैंने ये जिस मेज़रमेंट के साथ लिया है, मेरा तो 6 कुकीज़ बना था। और अगर आप उस मेज़रमेंट, आपको जितना बनाना है आप उस मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब आप देखिए कि जो मेरा ये डो है वो तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये जो सिनेमन है वो भी मिला लेंगे। और अब देखिए कि ये अब अच्छा से ये तैयार हो चुका है बेक होने के लिए। तो अब हम लोग इसे बेक कर लेंगे। अब ये बेक होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।